हे गाइस वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में। तो गाइस मेरे चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिखेगा उनको प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अपडेटेड रहे। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके फॉलो कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। तो बिहार गवर्नमेंट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिनके थ्रू आप कोई भी जो है अपना डाउट क्लियर कर सकता है। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है आपके स्क्रीन पे इस समय शो हो रहा है, तो इस पे आप कॉल कीजिए, कॉल रिसीव होगा, देन आपका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप उससे डायरेक्टली बात करके अपना क्वेश्चन पूछ के उनसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये तो हमारा पहला विधि हो गया। देन हम सेकेंड विधि का बात करते हैं, तो आप जो है अपने DRCC से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि DRCC का नंबर हम कैसे फाइंड करें, तो इनके लिए वन बाय वन वे बताने वाला हूँ। तो इनके लिए हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ताकि आपको मैं सारा लाइव एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप अपने DRCC का नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, तो कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आप गूगल सर्च कर लीजिए और गूगल के सर्च बार में आपको सिंपली सर्च करना है कॉन्टैक्ट अस MNSSBY, इतना करके आपको इंटर कर देना है। तो चलिए इंटर करते हैं। तो आपको सारा वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा, तो पहला नंबर का जो वेबसाइट आपको यहाँ दिख रहा है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा देगा, तो आप इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिख जाता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ। देन यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिलेगा, जितना भी DRCC ऑफिस है वहाँ से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। जैसे मैनेजर के पोस्ट पे रवि शंकर प्रसाद है DRCC अड़ेरिया, और उसका मोबाइल नंबर ये रहा, उसका एड्रेस मतलब DRCC ऑफिस कहाँ है वो उनका एड्रेस आपको साथ में मिल जाता है। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे कॉल करके आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत रहता है तो नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।